शुरुआत करेंगे देसुरी में भू माफियों के आतंक से। देसुरी में भू माफियों का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब सरकारी भूमि का भी बेखौफ अतिक्रमण कर प्लॉट बेच देते हैं और राजस्व प्रशासन को भनक भी नहीं लगने देते हैं। दरअसल देसुरी की सैली माता कॉलोनी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल के नाम से अलॉट भूमि पर अतिक्रमण कर बेचने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता रतन सिंह राठौर के माध्यम से हुआ है। यह जमीन देसुरी में संस्कृत स्कूल के नाम से अलॉट है। यह भूमि 2009 में राजकीय उच्चतर प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के नाम से अलॉट हुई थी। इस भूमि को भूमाफियों ने किसी और को बेच दिया और रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया गया है और राजस्व प्रशासन को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने दिया। सली माता के नाम से अलॉट शुदा भूमि 0.2 एकड़ हुई थी, जिस पर भूमाफियों ने रजिस्ट्री दूसरे कस्बे की करवा कर उस पर कब्जा करवा दिया, जिसके बाबत प्राथी ने तहसीलदार रजिस्ट्री को निवेदन किया था, उसकी जांच भी कराई थी। उसमें दो आदि भाई के ज्ञाना राम पुत्र जोधा लोहार, दूसरा प्रताप पुत्र इंद्र देवा। राम देशभूमि के खसरा नंबर 2398 में रकबा 1.65 हेक्टर किस्म बरानी अवल राजकीय सिवाचक भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। मौके पर परिवार द्वारा बताए गए स्थान का अवलोकन करने पर खसरा नंबर में से संस्कृत विद्यालय के नाम से भूमि आवंटन हुई, जिसमें खसरा नंबर 3514-2398 रकबा 0.02 हेक्टर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सैली माता मंदिर देश किस्म गैर मुमकिन स्कूल के नाम से दर्ज है, जिस पर कैनाराम सुनोक जोधा लोहा एवं प्रताप सुनोक भूमिता कला निवासी देशों द्वारा स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जो शिक्षा विभाग द्वारा उचित कार्रवाई कर प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण करना संभव है। वही मारवाड़ जंक्शन उपखंड के कंटालिया गांव में बीते 22 घंटे से एक मृतिका के शव को पुलिस चौकी के बाहर रखकर उसके परिजन आरोपी को गिरफ्तार करवाने की मांग कर रहे हैं। आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह और उप अधीक्षक पुलिस ब्रजेश कुमार द्वारा परिजनों और ग्रामीणों को समझाइश के बाद अब परिजनों ने शव को उठाया है और अधिकारियों का सुझाव और आश्वासन से मृतिका के शव का अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व कंटारिया गांव की युवती रजिया ने ससुराल वालों से परेशान होकर विषैला पदार्थ खा लिया था, जिससे कल उसकी मौत हो गई। वहीं कल 2 बजे से कंटारिया गांव में सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण और परिजन मृतिका के ससुराल वालों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। रात भर अधिकारी समझाइश करते रहे परंतु परिजन नहीं माने, लेकिन आज जिला मुख्यालय से अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार कंटारिया गांव में पहुंचे और ग्रामीणों और परिजनों से वार्तालाप किया और उनको आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर बाकी बचे आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मृतिका के लड़के को उसके पीहर पक्ष वालों को सुपुर्द कर दिया गया है। इसी संदर्भ में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पुलिस ने मृतिका के पति और उसके मामा को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी बचे आरोपियों को शीघ्र ही 3 दिन के अंदर गिरफ्तार करने का परिजनों को आश्वासन दिया है और तब जाकर कहीं परिजन माने हैं। और आज 22 घंटे के बाद मृतिका रजिया के शव को पुलिस चौकी परिसर से हटाया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। राजधानी जयपुर के बस्सी में आज अखिल भारतीय हरियाणा गौर ब्राह्मण महासभा की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 45 वरवधु परिणय सूत्र में बंधे। हरियाणा ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व भाजपा दोसा विधायक शंकर शर्मा ने सभी 45 जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए समाज के आए हुए हजारों लोगों को संदेश देते हुए कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने से समाज और देश का विकास हो सकता है और फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है। वही सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचे जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, दौसा सांसद जशकोर मीणा का राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं प्रतापगढ़ खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को NH 113 पर बजरी से भरे 2 डंपरों को जब्त कर लिया। जब्त डंपरों को विभाग के अधिकारियों ने छोटी सादरी पुलिस थाने में खड़े करवा रखे हैं। वहीं इस कार्यवाही से बजरी माफियों में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि छोटी सादरी इलाके में प्रशासन की मिलीभगत के चलते डंपरों में अवैध रूप से परिवहन हो रही अवैध बजरी पर
रोक लगाने वाले 5 विभागों के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी कार्यालयों से बाहर नहीं आ रहे थे। इसी के चलते बजरी माफियों के हौसले बुलंद हो रहे थे और हाईवे सहित प्रमुख मार्गों पर बेखौफ बजरी का परिवहन कर रहे थे। जबकि 16 नवंबर 2017 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बजरी खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। कोर्ट के आदेश पर बजरी खनन और परिवहन रोकने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, लेकिन जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को यह भी मालूम नहीं है कि अवैध बजरी का परिवहन कहां-कहां चल रहा है और उसे किस प्रकार से रोका जाए। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने स्वयं समेत पुलिस, राजस्व, वन तथा खनिज विभाग की टीम गठित कर रखी है, लेकिन ये गठित टीम दफ्तर दाखिल है। दरअसल बुधवार को खनिज कार्यदेशक अंजना व्यास और आवेश माथुर NH 113 पर बजरी से भरे अवैध डंपरों को पकड़ने निकले। माथुर और व्यास बुधवार को NH 113 गोमाना चौराहे पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान निम्बाहेड़ा की तरफ से बजरी से भरे 2 डंपर आते हुए दिखाई दिए। खनिज विभाग की टीम ने दोनों डंपरों को रुकवाया और उसे जब्त कर लिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों भी खनिज विभाग प्रतापगढ़ ने धोलापानी थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए डंपरों को जब्त कर बजरी माफियों से जुर्माना वसूला था, लेकिन अधिकांश जगहों पर बजरी माफियों पर राजनीति संरक्षण प्राप्त होने से अभी भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। ऐसे में सफेद बजरी के परिवहन का काला धंधा बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि खनिज विभाग की इस कार्यवाही का बजरी माफियों पर कितना असर होता है। वहीं पाली जिले के मरुधर केसरी पावन धाम चेतारण में ENT के तत्वधान में बुधवार को चिकित्सा गांव की ओर स्कीम के तहत निशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर अमित भंडारी द्वारा नाक, कान और गले के रोगियों की जांच कर निशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया गया। इस निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर में चेतारण क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में रोगियों ने भाग लिया। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।